से आप आने गरी मिखलाब आने गरी लेना
नजर आया वो तू ही हो सनम यो आफ्नो विशेषता चाहिँ के हो यो अरू आप भन्दा यो डोलमा आप किन फरक छ यो डोलमा भनेको तपाईँको यो त आँपको धेरै प्रजातिहरू छ डोलमा पनि त्यस्तै एक प्रकारको यसको नाम हो यो डोलमा स्वाद तपाईँको अरूभन्दा अलिक फरक छ र यसको साइज जुन छ नि अलिक डोलमा जस्तै भएको कारणले गर्दा यसको नाम डोलमा राख्न गएको हो होइन यसमा सबैले किसानहरू जति पनि दिनुभएको छ नि हामीलाई यो आँप अनि हामीले सबै आँप र सबै जात जातिको आँपलाई र सबै वर्गको मान्छेको एकै ठाउँमा आँप यसको लागि राखेका छौँ कि कमसे कम सबैको प्रेम सद्भाव नटुटोस् समाजबाट मिसिएर रहोस् बजारमा आँपको अभाव जस्तै देखिन्छ हामी कहाँ बगैँचाभरि आँप झरेर बग्रेल्ती सडेर गइरहेको देखिन्छ यसलाई बजारीकरण गर्न नसक्नको कारण चाहिँ के होला यो बजारीकरण गर्नको लागि यहाँसम्म सरकारको नजर बजार व्यवस्थापनसँगै यो तपाईँको जुन किसिमले यहाँनिर आयात निर्यातको जुन समस्या छ खासमा निर्यातको त्यसको कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्था छ यो महोत्सवले चाहिँ यो आफूलाई कसरी प्रमोट गर्छ यो बगैँचालाई अब यो महोत्सवले प्रमोट गर्ने तरिका के हो प्रमोट गर्ने त अब स्वाभाविक हो तपाईँ जस्तो आदरणीय व्यक्तिहरू हाम्रो यो महोत्सवमा आइदिनुहुन्छ आँप खाइदिनुहुन्छ त स्वाभाविक हो तपाईँले चिनेको मान्छे होइन कमसे कम अरू पल्टदेखि यहाँको फरक के छ स्वाद भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सबैलाई र यो यो ठाउँको आँप मान्छे मन पराउँछ किनभने हामीले हजुर नेपाली प्रजातिकै आँप हो नेपाली प्रजाति सबै नेपाली प्रजाति हजुर हजुर र हामी चाहन्छौँ अबका दिनहरूमा नेपाली आँपलाई चाहिँ उपभोक्ताहरूले अधिक मात्रामा उपयोग गरेर नेपाली किसानहरूलाई सकेसम्म नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर हामी आम उपभोक्ता साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यतिखेर हामी विशेषतः नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट यो आँप महोत्सवलाई अवलोकन गर्न आइरहेका छौँ हामी हाम्रा तर्फबाट पनि यसलाई बजारीकरण गर्न यति राम्रो स्वादमा आएका आँपहरूलाई आम उपभोक्ताले उपयोग गरेर आयातित सामग्रीहरूभन्दा नेपालमा नेपाली किसानहरूले उब्जाएका आँपहरूलाई तपाईँ सबै साथीहरूले खाइदिएर यो आँपलाई बजारीकरण पनि अझ भव्य रूपले गरिदिनु हुनको लागि हामी आम नेपाली उपभोक्ताहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद सबैजना ताली बजाइदेऊ ठुलोवाला यो तलको यो माथि सिपिया भयो यो अमरपाली भयो माथिको किनभने तपाईँहरू बजारमा जानुहुन्छ त आँप भन्ने बित्तिकै आँप बुझ्नुहुन्छ कतिजनाले त्यसको प्रजाति त चिन्नुहुन्न होइन तर सबै सबै जातिको सबैको फरक फरक हुन्छ सबै सबै आँपको स्वाद फरक फरक हुन्छ र यो क्षेत्रमा खास गरेर यो आँपको स्वादकै लागि यो माटो बनेको छ होइन आँपको यो जुन किसिमको त्यो अवस्था छ यहाँको अरू अन्तभन्दाको स्वाद यहाँको अलिक फरक हुन्छ होइन यो जस्तै नजरा बम्बई भयो यो कलकतिया कलकतिया आँपको नाम सुन्नुभएको छ कतिजनाले कलकतिया आँप अचार बनाउनको लागि फेमस छ विनोद होइन तबसम्म तपाईँहरूलाई यहाँ यो यतातिर देखाउँछु तपाईँको परदेश सांसद महतो सारो ताले खिया ताले लगाउँछु जल्दी लगाउँछु यो भयो कलकतिया यो कलकतियामा के हुन्छ भन्दाखेरि अचार बनाउनको लागि सबभन्दा बेस्ट होइन कति पनि तपाईँहरू धारका विराजहरू छैन अब यो कलकतिया अचार बनाउनको लागि सबभन्दा फेमस होइन हामीले स्टलभन्दा पनि अब स्टलमा छुटाउनु पर्थ्यो होइन अनि त्यही भएर हामीले तपाईँहरूलाई यो आँपको प्रजाति पनि चिनाउने र यो तपाईँलाई यो प्रजातिको सँगै यो बिरुवा कस्तो हुन्छ कलकत्ताको त्यो पनि पात तपाईँहरू चिनिहाल्नु होइन आउनुहोस् होइन त्यसपछि तपाईँलाई
माथि हेर्नुहुन्छ नि यो डोलमा हो एउटीमा दुई किसिमको आँप छ है यो लगाउने बेलामा यो आँप यो तपाईँको के हुन्छ यसमा दुईवटा रोप्ने बेलामा कलमी गरेर रोप्छ नि अनि दुईवटा एउटै आँपबाट दुईवटा निस्किन्छ त्यसमध्ये एउटा तपाईँको यो एउटै गोठमा दुईवटा आँप छ ले जाकिन के गर्नु भन्दाखेरि बाहिरबाट आउँदाखेरि यो भेगमा अहिले पानीको अभाव थियो पानीको अभाव भएको कारणले गर्दा यो सिराहाबाट होइन सिराहा अन्य अन्य जिल्लाहरूबाट आँप ल्यायो है आँप ल्याउँदाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै रोप्दै रोप्दै होइन अब सबैले बिस्तारै बिस्तारै यस यो ठाउँको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो जसको घर पाँच धुरमा पनि छ नि चाहे दस धुरमा छ त्यसको बारी र खेतमा चाहे बारीमा होस् चाहे अगाडिको दैलोमा होस् सबै किसानको यस्तो कोही यस्तो किसान छैन यसरी यो वडा नम्बर एकमा त्यसको एउटा आँपको बोट छैन सबैको टोटल्लीको छ नहुने एउटा पनि छैन होइन यो सबभन्दा ठुलो विशेषता हो किनभने अब जस्तै अन्तत जस्तै एकजनाको हुन्छ बिघाको बिघा होइन अरूको हुँदैन तर यो ठाउँमा के छ यो आँप देखासिकीले गर्दा सबैजनाले रोपिसकेका छन् पहिला चोरी हुन्थ्यो पनि है ज जस्तो हुन्थेन पहिला चोरी पनि हुन्थ्यो होइन कोही अचार बनाउनको लागि कोही खानको लागि अब आँप जस्तो कुरा होइन खानु त पर्यो होइन अनि पैसा हुन्थेन मान्छेसँग अनि चोरेर राति राति टिपिदिन्थ्यो कि अनि जसको आँप हुन्थ्यो नि त्यो मान्छे रातभरि जग्रामा बसेर आँपको ओगरबाही गर्छ यहाँको आँप आँप मतलब बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही डिजिज लागेको हुँदैन तर भित्र किन हुन्छ त्यो भएर त्यो त अब यदि तपाईँहरू जाँडामा नै त्यस्तो कुनै प्रविधि लगाइदिनु भयो भने होइन तपाईँहरू त कृषिको विद्यार्थी कृषि धारका विद्यार्थीहरू हुन्छ साइन्सको विद्यार्थीहरू हुन्छ तपाईँहरू अब अहिले के समस्या आएको छ अब जस्तै आँप धेरै दिन भइसकेपछि यो डिजिज लाग्ने अहिले चलन चलेको चलन चल्तीमा आएको छ अब यसलाई के गर्न सकिन्छ जाँडामा के माटो के मलजल गर्न सकिन्छ के त्यस्तो कुरा हाल्न सकिन्छ अध्ययन अनुसन्धानबाट होइन कि यो विषादी नछरिकन अब जस्तै अब हामीले त विषादी छर्दैनौँ अब व्यापारीहरूले आफ्नो हिसाबले छर्दो होला बेग्लै कुरा हो तर हामीले जति पनि हाम्रो उतातिर छ सक्नेले छर्छ सक्नेले छर्दैन तर हामीहरू छर्दैनौँ है यो पानी मौसममा नपरेको कारणले गर्दा अन्य अन्य कारणले गर्दा यसपालि अलि आँपको साइज पनि सानो भएको छ है ल आउनुहोस् अलिकति मेहनत गरेर यो आँपको हाम्रो मधेस प्रदेशमा हुने आँपको प्रकारहरू आँपबाट हुने विभिन्न किसिमका अचार अमोठहरूको प्रदर्शनी गर्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मध्य प्रदेश सरकारले यो आजको यो यो प्रदर्शनीलाई भोलिका दिनमा पनि यो आँपको यो आँपबाट हुने विभिन्न प्रकारका परिकारहरूको प्रमोट गर्नेछ भन्दै म फेरि पनि पुनः यो सम्मेलन यो मेलालाई मेला आयोजक गर्ने आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा यो क्षेत्रमा आँपको लागि मात्रै होइन हामीले सबै क्षेत्रमा सबै किसिमको यो क्षेत्रमा हामी मध्य प्रदेशको ध्यान जानेछ विशेष चाहिँ यो आँप आजको मेलाको मेन मेन
भने के आँप हो आँप आँप यहाँ विभिन्न किसिमका आँपहरू छन्। मैले चाहिँ सबभन्दा यो आँपमा मनपर्ने भनेको मेरो आँपको अमोठ। मैले आँपको अमोठ जनयुद्ध कालको बेलामा भूमिगत कालमा उदयपुरको त्यतिखेर हामी उदयपुरमा बसेका थियौँ मैले यो आँपको अमोठ खाएको थिएँ। मलाई आँपको आँपमा मनपर्ने सबभन्दा मनपर्ने विशेष भनेको यो अमोठ है। मलाई मनपर्ने मान्छे अमोठलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन तर मलाई अमोठै अमोठै मलाई थाहा छ किनकि मैले त्यतिखेर देखेको थिएँ। अनि मैले यो उहाँ त्यो एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँले बनाइरहनु भएको थियो सिकाउ अनि मैले उहाँसँग सिकेँ पनि आमा यो कसरी बनाउनु मलाई सिकाइदिनु होला। अनि उहाँले आँप घोलेर त्यसपछि त्यो थालीमा तेल लगाएर अनि घाममा सुकाएर कस्तो कस्तो गरेर मलाई यति दिनुभएको थियो। मैले सायद त्यो 15-20 दिन जति खाएँ होला यो अमोठ। विशेष त यो हाम्रो फुलकेन मगीजी र यो सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलिका दिनमा म यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको कारणले गर्दा भोलि मैले गर्नुपर्ने सहयोग मैले गर्नुपर्ने उहाँलाई यो यो क्षेत्रलाई मात्रै होइन यो यो अहिले आँपको मेलालाई भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई कसरी हामीले आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म र बजारबाट माथि सहर बजारमा कसरी लान सकिन्छ भनेर कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने म आफ्नो तर्फबाट भोलिका दिनमा र गर्न सक्ने कोसिस यहाँ प्रदेश सभामा सरकारलाई कसरी यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने यो आँप हाम्रो उत्पादन खेर गइरहेको छ हाम्रो आँप इन्डियाबाट आइरहेको छ त्यसलाई हामीले रोक्नको लागि त्यो हाम्रो आँपको बजार लानको लागि त्यहाँबाट आउने उत्पादन इन्डियाबाट आउने आँपलाई हामीले रोक्नुपर्छ तब मात्रै हाम्रो उत्पादन बजारसम्म जान्छ। हामीले उत्पादन गरेको आँपहरू ले बजार पाउँछन् यसले तब मात्रै यो आँप यो जस्तो जनताले यति धेरै यहाँ हाम्रो बटेश्वर क्षेत्र नम्बर एकमा यदि 3 बिघामा आँप उत्पादन भएको छ तर यो आँप मलाई लाग्छ सबै खेरै भएको होला। अधिकांश 300 बिघामा आँप उत्पादन छ तर 500 बिघामा बाप रे बाप। तर यो यो कति बजार गएको छ के यकिन छ त हाम्रो आँप कति बजार गएको यकिन छ त कसैलाई छैन होला होइन त यो एकदम खेरै गइरहेको छ कुहिरै गइरहेको छ मार्केटमा यो जान सकेको छैन। हामीले यो आँपलाई चाहिँ मार्केट लगेर यसलाई व्यवसायमा के अरे यसलाई यो खेर गइरहेको आँपलाई बजारमा लगेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्दै फेरि पनि म यहाँ आजको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आग्रह कि अहाँसब आरो एकरा प्रचार प्रसार केना कयल जाए के कयल जाए कि काल्हि भने जे शुद्ध आम अपना के नेपाल देश के जनता सब कही बुद्धिजीवी कही जे सब टाउन में रहे बाहर बाहर रहे उ सब शुद्ध आम केना खा पावे से हमरा सब के बड़का भूमिका आप खेल पड़ती कैला कि अपने देखियो धियापुता आम खाने का स्वास्थ्य के बहुत हानिकारक चीज बढ़ल कैला कि आम में जो दवाई दे है ने स्वास्थ्य में बहुत बड़का हानिकारक चीज है मगर की करबे बाध्यता है आम खा लै तो खाए है मगर उ चीज शुद्ध आम निकाल स्वास्थ्य बिगाड़े ते दुआरे अ मेला के बड़का उद्देश्य फुलकेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि आई बहुत आदमी सब जुड़ल है पुरका साल यो से कनका भेदे करे पड़ते भेदे करते करते आम मेला एक पहले मेला हो ना देखा जाए मतलब रमाइलो करे स्वास्थ्य के लागी मेला हमरा बुझा रही ते दुआरे यही मेला के आरो अपना सब चित्तापुर के वासी वाडा से सतीन हुनका सब के कहबे अहाँ सब नगर पालिका में जाकर बात राखू मेयर ला बात राखू और कि आप ई मिथिला नगर पालिका ई बटे से गांव पालिका आम के एरिया है ने अयो त यरे ने मतलब जूस फैक्ट्री होय के जाय किसान के समस्या के ढल के में जाकर देखियो ढकिया लगा बैठल रहे पसीना ठप ठप छुएत रहे व्यापारी वाला चाहे व्यापारी अर कले है हम सब अर के बेचतना ने ए पला देवा इतने पे उतर पे कह पड़े की ओका सब हमें दिया पड़े हमरा से जना बियाद की कत्तू जा लेन से ने बिकाप की करने के हो ला 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 पड़ रहे की तै द्वारे एक जनप्रतिनिधि से कहबे की आप अहां सब के दाबा उठवा पड़त नहीं तो ये चीज है मिथिला नगर पालिका बटे से गाँव पालिका अहाँ के किसान के समस्या अहाँ सबके हम सब जनता के आवाज उठबे छे जनता लागी विकास कर छे कहाँ विकास होना है हम जब तक जनता के समस्या के विकास नहीं तो तब तक हमने कुछ विकास मिले की अइ दुआरे अहाँ सबके हम ये बात कह चाहे छी कि कम से कम ये किसान के समस्या आई ऐसे नहीं कम से 20 बरस ये समस्या अहाँ सब देख रहा आई कल नगर पालिका में आवाज इन तक नहीं उठा लेते कि केना की किया जाए ते दुआरे आई फुलकेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद जी आई खाने पानी समिति के संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ सब आयोजन के लिए काल्हि हुआ आई के वार्ड सब नगर पालिका सबके लगाने के कहीं भव्य मेला बनाबे से कहे हम दू सके अंत कर चाहे धन्यवाद आम मेला में आमे आम देखलिए गा आ फुलगेन दाजू जब आम में मेला लगल गई तो फुलगेन दाजू के आम गाछी में देखल ककर घर आम तोड़े थे कि तो वही समझाना था एक हम कविता बना देने छे पैसा से हम कवि छी तो हम अपने सबके बीच में कविता सुनेब
कविता के शीर्षक है आम। ये कविता हम भरखर बने लिया। कोई अब हीरो हुंडा लगा आ कोई अब अपाची में, कोई अब हीरो हुंडा लगा आ कोई अब अपाची में, आम खाइला चबरा कत बाबरी का टका कहबे गाछी में। सुनिए भैया, सुनिए भैया, तोरे गाछी में कोई अब हीरो हुंडा लगा आ कोई अब अपाची में, आ चदरा कट बाबरू कटा कर अब है तोरा गाछी में। एनी वनी तक तो मारे ढेला बुझला, एनी वनी तक तो है आ मारे है ढेला, आ बटेसर में लागल है आम मेला। आय कहो मेला में के तोड़ल का आम, आय कहो मेला में के तोड़ल का आम, अनिल रहे विजय रहे आरे बगे बिसर गलिए नाम। आय कहो मेला में के तोड़ल का आम, अनिल रहे आ विजय सर रहे आरो कोई के बिसर गलिए नाम। आ सूर्या सूर्या कहल के कोई ये तो हम कहो बम बम भोला। सूर्या कहल के कोई ये तो हम कहो बम बम भोला, तो बुझी है कोई ना कोई चल गया बटेसर में लागल है आम मेला। विजय रहे सूर्या रहे आ ओकरा जरे रहे एकटा पता है, विजय रहे आ सूर्या रहे आ ओकरा जरे रहे एकटा पट भा, सूर्या आम पीछे आ विजय सर मारे झटका। आय कहे छे दस को के बीच में एकरा से भी खेला, आय कहे छे दस को के बीच में एकरा से भी खेला, आ बटेसर में लागल है आम मेला। देखे छ इहे सब तो आम खेने छ आरो कोई ना, इहे सब खेने छ ई सब आम खा खा क फेकने छ सब आथी, तब जन्मल छ त अमोला, आ बटेसर में लागल है आम मेला, आम मेला। धन्यवाद धन्यवाद। अपाक से सुरसार हुए है चैत बैसाख से सुरसार हुए है, पहले मज्जर तब टिकोला हुए है। चैत बैसाख से सुरसार हुए है, पहले मज्जर तब टिकोला हुए है। कसौनी चटनी खा ले है लोग तब, कसौनी चटनी खा ले है लोग तब, नून जरे टिकोला सोई सोई खाए है लोग, नून जरे टिकोला सोई सोई खाए है। आम के महीना के सीजन एले, आम के महीना के सीजन एले, गाछिए गाछिए सब लोग टहले। आम के महीना के सीजन एले, गाछिए गाछिए लोग सब टहले। जे गाछी में जाकर गाछ पर चढ़ल, जे गाछी में जाकर गाछ पर चढ़ल, वे गछ पक्कू आम भैर मन खेल के। चैत बैसाख से सुरसार हुए पहले मज्जर, पहले मज्जर तब टिकोला हुए है। आम के विषय में जे बात करब सुन लो, आम के विषय में जे बात करब सुन लो, खाही के मन अब तो मालदा के चुन लो। आम के विषय में जे बात करब तो, आम के विषय में जे बात करब तो सुन लो, खाही के मान अब मन अब तो मालदा के चुन लो। मालदा के बात कुछ अलग है दोसर से, मालदा के बात कुछ अलग है दोसर से, तही दुआरे खाई भर में आंख पहले मुइल लो, खाई भर में सबसे पहले आंख पहले मुइल लो। जे आम देखा में लाल टूह टू करत, जे आम देखा में लाल टूह टू करत, कहियो काल वो खाओ भर में बातें करत। जे आम देखा में लाल टूह टू करत, कहियो काल वो खाओ भर में बातें करत। आम के बात गजपक्कू के जैसे चलत, आम के बाद जो गजपक्कू के चलत, वो सब आम के स्वाद बेजोरे लागत, सब आम बेजोरे लागत। चैत बैसाख से सुरसार हुए है, पहले मज्जर तब टिकोला हुए है, तब टिकोला हुए। धन्यवाद। ई मेला में अपने एलिए आए बटेसर गांव पालिका वार्ड नंबर 1 एगो प्रदेश सांसद भेला के नाता से, केना बुझा रहा अपने की मेला के की अनुभव अपने ले लिया? ई मेला एगो अपने आप में ऐतिहासिक मेला है, जे हमरा सबके अइ एरिया में खास कर के फल फूल के ठाउँ है, ते दुआरे अइ दिन के ई फल फूल के हम अहाँ देश में पहुँचाब नहीं सकने छे, ते दुआरे पूरा देश में प्रचार प्रसार के रूप में भी एक योजना के रूप में लेबऽ पड़ते, ते दुआरे हम सब अपने सब जरे अनुरोध करबे कि प्रत्येक विभिन्न प्रदेश सबके व्यक्तित्व सबके
बोला के बात के जानकारी करब कि हमरा सबके एक दिन के आम के जब स्वाद है से विदेशी जो हमरा सबके चिन्हित की राष्ट्र भारत है वो एक दिन के आम में स्वाद नहीं है तो ये हमरा यहाँ के किनका मेहनत शुरू के अवस्था में करब पड़ते तेकर बाद एकर जो है देशव्यापी रूप में मांग बढ़ते और एक दिन के जनता के सही उचित मूल्य पर आशा विश्वास रखे कि प्रथम मेला एते दुआरे कम से कम शुरुआत भले शुरू कर पड़ते हमरा सबके युवा पीढ़ी के शुरू करबे तो एक दिन के खासियत की है से सब कोई के जानकारी होते तो उचित होते जना लगे हमें। धन्यवाद। अपने कम से कम एक क्षेत्र के विषय जो किसान सब के घोरगधा के विषय है पीड़ित है किसान सब संगे आरो बात के लना विधेयक से हाँ वही विधेयक में की समटल है कहीं संक्षिप्त में अपने जानकारी का देती किसान सब के सहयोग के लिए की सब है तो और अच्छा रहते हैं। कृषि विधेयक इससे पहले कृषि कार्यविधि बनाकर मंत्रालय काम करे छले वही कार्यविधि अंतर्गत बहुत कुछ नहीं समटल गेल छले जहाँ तक मंत्री जी के अपन क्षेत्र व खास कर असर पड़े वाला ठाव में मात्र कार्यविधि बनल छे अखनों के जे विधेयक है कृषि विधेयक में मोटामोटी मध्य प्रदेश लगात अन्य प्रदेश में की चीज है आयात करब पड़ते एक दिन के खासियत की सब निर्यात करब पड़ते ते सब संदर्भ में समटल गेल है आ वही में हम सब विचार करे छे कि खास करके अय नीतिता कार्यक्रम में किसान कार्ड और किसान पेंशन के बात हम सब उठेने रही तो तय के सरकार अपने के समावेश कल के बजट में तय के लगे सरकार के हम सब धन्यवाद से देव चाहे खास करके हमरा सब कृषि में दू तीन टा चीज किनका बेसी असर कर रहा है एगो वन्य जंतु जना घोरगधा कहे नीलगाय तेकर बाद में जंगली सुगर बानर एकर आतंक बहुत बढ़ गए अ चीज के हम सब इससे पहले हाउस में तीन दिन आवाज़ उठेने एक दिन जोरदार मांग सभा मुख मार्फत रूलिंग कर के एक दिन प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकार में जाए एक केना उन्मूलन कैल जाए की अवस्था है देखिए विज्ञ के लाइफ के संबंधित अध्ययन करके हटाव पड़े तो किसान सब पहले दिन भर काम करके राति में थकाई मारे छे अखनों के स्थिति है जो किसान के राति में भी खेत में रह कर रखवारी करे वाला अवस्था है ते द्वारे सरकार के हम सब विशेष प्राथमिकता दे कर काम कर लगे अनुरोध कर। धन्यवाद। अपने सबके जानकारी करब चाहब जो आम मेला में ये प्रथम आम मेला मध्य प्रदेश के बटेश्वर गाँव पालिका वार्ड नंबर एक स्थित ये आम मेला है। आम मेला में हमरा सबके माननीय सांसद संजय महतो जी उद्घाटन कर चुकल हथिन उनका सबको ताली बजा के स्वागत कर देवे हार्दिक अनुरोध कर। धन्यवाद।